नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूँ आज सभी चैनल मनीषी डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि फोन नंबर के बारे में, जैसे कि गूगल मैप के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट नहीं होता। ठीक है, आज के टाइम में सभी लोगों की एक ही दिक्कत है, सर हमारा नंबर हमने गूगल मैप पे डाला और वो अपडेट नहीं हो रहा, नॉट अप्रूव आ रहा है, पेंडिंग में जा रहा है। कई लोगों का तो यहाँ पे नॉट अप्रूव भी नहीं आ रहा है, पेंडिंग रिव्यू में भी नहीं जा रहा है, साथ में नंबर दिखा भी नहीं रहा है। ठीक है ना, जब वो किसी सिस्टम पे क्लिक मारते तो वो कंफर्मेशन का मैसेज आता है कि कंफर्म करिए अपना डिटेल, और वो जब कंफर्म डिटेल करते हैं तो कैन नॉट एडिट सेव आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत आती है कि गूगल मैप रिव्यू में जा रहा है, पूरा लिस्टिंग रिव्यू में जा रहा है, सारा डिटेल रिव्यू में जा रहा है। तो गूगल का जो एल्गोरिथम है अभी वो चेंज हो चुका है, नंबर को लेके भी चेंज हो चुका है और बहुत सारी गाइडलाइन अभी आ रही है गूगल में। तो इसी वजह से मेरा यहाँ पे ये वीडियो वापस से आया है उस लिस्टिंग के डिटेल को लेकर। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आज के टाइम में ये तो कंफर्म है कि अगर आप नया लिस्टिंग बनाएंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा, या फिर आपका कोई पुराना गूगल मैप चल रहा है तो उसका भी नंबर नहीं आएगा। नंबर केवल यहाँ पे दो तरीके से अपडेट होता है, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। अब ऑटोमेटिक के बारे में आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि गूगल खुद ब खुद आपका नंबर आपके लोकल सर्च इंजन में ढूंढता है। वो ढूंढता है कि इस बंदे का जो इस नाम से, इस एड्रेस से, इस सिस्टम में गूगल के अंदर कहां कहां पे डिटेल्स अवेलेबल है, गूगल में कहां कहां पे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो गूगल का एल्गोरिथम जब उसको सर्च करता है, उसको फाइंड करता है अच्छे से, तो उसको कहीं ना कहीं से नंबर मिल जाता है तो वहां से उठा लेता है। नॉर्मली अगर आपकी वेबसाइट होती है तो गूगल का सिस्टम आपकी वेबसाइट से नंबर उठाता है, यानी आपने नंबर एंटर करा तो गूगल उसको स्कैन करेगा, गूगल के सर्च इंजन में ढूंढेगा, या अगर आपकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट से नंबर उठा लेगा, अगर वेबसाइट नहीं होगी तो वो आपका नंबर अपडेट नहीं कर पाएगा। ऐसे में हम लोग यहाँ पे दूसरा तरीका फॉलो करते हैं, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, आपने नया नया बिजनेस बनाया है और आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम लोग यहाँ पे गूगल से कम्युनिकेशन करके नंबर को अपडेट करवाते हैं, बट गूगल से बात करेंगे तो गूगल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग कहते हैं सर आप हमारा फॉर्म है वो भर दीजिए और उसके अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करिए, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, अगर ये बिल आपके पास में है उस पर आपका नंबर मेंशन है, आपका एड्रेस मेंशन है तो चलेगा, नाम मेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे एड्रेस हो गया, आपका नंबर हो गया। अगर आपका एड्रेस और नंबर प्रॉपर नहीं है, नंबर है एड्रेस नहीं है, तो फिर गूगल अलाउ नहीं करता। आपको सारा डिटेल प्रॉपर होना चाहिए, ना एड्रेस भी होना चाहिए बिजली के बिल पे या आपका इंटरनेट के बिल पे, और नंबर भी सेम होना चाहिए। अगर आपने कोई भी बिजली का बिल दिखा दिया सेम एड्रेस के ऊपर, उसमें नंबर ही नहीं है तो गूगल अलाउ नहीं करेगा। ठीक है ना, बकायदा गूगल की गाइडलाइन में लिखा हुआ है। अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड पे आपका नंबर है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड अलाउ नहीं करेगा। कई लोग क्या करते हैं विजिटिंग कार्ड को, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है बना लेते हैं, उसको क्रॉप करके भेज देते हैं, सर ये विजिटिंग कार्ड है। ऐसा विजिटिंग कार्ड नहीं, जैसे आपके पास में रियल विजिटिंग कार्ड होता है जो हाथ में रख के या फिर आपने क्लिक करी फोटो सेंड कर दिया, ऐसा कोई विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए जो रियल होना चाहिए हार्ड कॉपी के अंदर। ऐसा नहीं है कि डिजिटल विजिटिंग कार्ड आपने लगा दिया, तो कोई ना कोई विजिटिंग कार्ड, कोई ना कोई बिल बुक, कोई ना कोई लाइसेंस, मतलब इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास में अवेलेबल है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गूगल को डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन जब गूगल चेक करता है तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ओके है, तो गूगल की टीम आपका नंबर शो कर देती है। ठीक है, तो सारा खेल जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर आता है, क्योंकि वेबसाइट हर कोई बनाता नहीं है। अब वेबसाइट नहीं है तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ना तो वेबसाइट है ना डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं खुद ही डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करते हैं, खुद ही हम ये सब चीज़ें बनाते हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड अपन ने बना लिए, आपने बिल बुक रेडी करवा ली, इनवॉइस रेडी करा ली, ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती है। मार्केट में भी होती है बट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है इसको बनाने में, हम लोग खुद से ही ग्राफिक्स के थ्रू बनवा लेते हैं इसको, और प्रिंट आउट वगैरह जो निकलवाना है वो निकलवाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग गूगल को सबमिट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन बनाकर, मतलब हम लोग भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर नंबर को लेके आने के लिए, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट हो चाहे हम लोग बनाए, हम अपने हिसाब से बना के हम लोग अपडेट करवाते हैं तो वो गूगल को भेजते हैं, तब जाके गूगल की टीम इसको रिव्यू करती है और तब जाके आपका नंबर आता है। साथ ही हम लोग कई सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आपके नंबर को गूगल के सर्च इंजन में सेट करते हैं, ताकि जब आपका नंबर कुछ टाइम के अंदर एंटर करा जाए तो गूगल का सिस्टम उस नंबर को उठा ले। तो इस तरीके से आपका जो नंबर है वो गूगल के अंदर अपडेट किया जा रहा है, इस तरीके से ये नंबर अपडेट होगा। बाकी पूरी इंडिया में कितना भी आप अपडेट कर लीजिए नंबर को, कितना भी एंटर कर लीजिए, कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता सकता हूँ पिछले 5 साल से ये दिक्कत चल रही है और समय समय पे गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से दिक्कत जो होती है चेंज हो रही है। जैसे अभी रिसेंटली जो अपडेट आया उसमें बहुत बड़ा अपडेट है कि अब आपका नंबर ना तो नॉट अप्रूव दिखेगा ना पेंडिंग में दिखेगा, केवल गूगल उसको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, फिर नंबर वापस से हट जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी गूगल में नए नए चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे हम लोगों को अपना प्रोसेस भी चेंज करना पड़ रहा है गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। तो अगर आपको नंबर अपडेट करवाना है तो मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सअप करना ना भूलें।